हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग जो 7th क्लास का साइंस का जो 16th वाला लेसन है नेचुरल रिसोर्सेज, उसका जो एक्सरसाइज है यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। और इस एक्सरसाइज में हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं विद द प्रॉपर आंसर। ओके, तो बच्चे लोग, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर आपको अलग अलग जो नेक्स्ट ईयर के जो क्लासेस है 8, 9, 10, उसके भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक पेन यूज करता हूँ या फिर हाइलाइटर। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेचुरल रिसोर्सेस विद द रेफरेंस टू द फॉलोइंग थ्री टाइप। तो आपको पता है कि अगर हमें किसी भी चीज के लिए अगर हमें डिपेंड रहना पड़ता है तो वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस होती है जो हमें नेचर से मिलती है, चाहे वो मिनरल हो गया, खाने के लिए हो गया, या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, या फिर हमें कहीं घूमने के लिए जो फ्यूल है वो चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से मिलती है। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं। रिसोर्सेस यानी ऐसे जो साधन होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग खुद के लिए करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है मिनरल सोर्सेस। तो आपको पता है कि मिनरल सोर्सेस में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, चाहे आपकी जो ज्वेलरी हो गई वो हो गया, अलग अलग आयरन, स्टील, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीजें क्या है? मिनरल सोर्सेस है। और इसका इस्तेमाल करने करके हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं। इसका मेनली इस्तेमाल हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट बढ़ोगे तो फॉरेस्ट रिसोर्सेस। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये फॉरेस्ट रिसोर्सेस क्यों? तो फॉरेस्ट रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कि आप जिस बुक का इस्तेमाल करते हो, ओके, आप जिस सपोर्ट की वजह से आपके जो घर बना है वो, ऐसे हर चीज है जिसका इस्तेमाल फॉरेस्ट की वजह से होता है। फॉरेस्ट की वजह से आपको फल फूल, ठीक है, ये सारी चीजें मिलती है। पेपर हो गया, रबर हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सारी चीजें मिलती है। आपके घर में जो फर्नीचर है वो सारी चीजें इससे मिलती है। चाहे आपके यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल कैसा हो रहा है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो कैसा है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपकी जो पूरी लाइफ है ये फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है कि जिस तरीके से अगर आपका इन्वायरमेंट रहेगा उसी तरीके से आपका जो लाइफ है वो रहेगा। ओके, उसके बाद थर्ड है ओशन रिसोर्सेस। तो ओशन से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मिलती है, जैसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑयल और गैस। तो ऑयल और गैस क्या होता है कि यह हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, एज वेल एज हमारी लाइफ को क्या करता है? इजी करता है। आप अगर आप देख लो, अगर आपको कहीं जाना हो, अगर आप कहीं जाना ट्रैवल करना चाहते हो, तो आज के टाइम पे आप पैदल चलना प्रिफर नहीं करते हो, तो उसकी वजह से क्या करते हो? आप तो एक तो व्हीकल लेते हो, या चाहे वो गवर्नमेंट व्हीकल हो या प्राइवेट व्हीकल हो, लेकिन उसके अंदर जो फ्यूल है, जो गैस है, सीएनजी गैस है, या फिर कोई भी चीज ले लो, उस वो सारी चीजें कहाँ से आती है? आपकी ओशन से आती है। ओके, तो इसके लिए जो मेन चीज है आपके रिसोर्सेस में जिससे आपकी जो लाइफ है वो इजी होती है, उसका मेन जो सोर्स है वो ओशन है। ओके, और उसके अलावा अगर हम लोग ले ले तो ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप जो डेली यूज आप सॉल्ट यूज करते हो, नमक यूज करते हो, वो हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो विटामिन है, विटामिन ए हो गया या डी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ओके, चाहे अलग अलग मिनरल्स हो गए, चाहे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फेट हो गया, ये सारी चीजें हैं। खाने के लिए आपका फिश हो गया, मराइन ऑर्गेनिज्म हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता है कि वर्ल्ड में सिर्फ 0.3 क्या है परसेंट ऑफ वाटर क्या है? पीने के लिए है। ओके, लेकिन आपको पता है कि आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग जो समुद्र का जो खारा पानी है, जो सॉल्टी वाटर है, उसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं एज अ फ्रेश वाटर, और उसका इस्तेमाल हम लोग कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, ऐसे सब चीजों के लिए हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी, सुनी होगी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट जाए तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्रिएशन क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट इज देयर टाइप। तो फॉसिल फ्यूल का मैं आपको एकदम इजी वे में बताता हूँ। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है कि ऐसे फ्यूल जिसका हम लोग ऑप्टेन करते हैं जब लाखों साल पहले
जो पेड़ है, पौधे हैं, मनुष्य है, वनस्पति है, जीवन है, वो सारी चीजें मरने के बाद जब धरती के अंदर दफन हो गई थी, उसके बाद वो चीजें जब डिकम्पोज हुई, वो डिकम्पोज होने के कारण उससे जो एक फ्यूल निकलता है उसी को हम लोग फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं, ओके। और ये सारी चीजें बहुत पहले से होती है, वो सारी चीजें प्रेशर और टेम्परेचर के कारण अर्थ क्रस्ट में जमा होती है और उसी का इस्तेमाल आज हम लोग पेट्रोल और डीजल के रूप में कर रहे हैं, ओके। मेक अ लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट वी ऑप्टेन फ्रॉम द मिनरल ओर। तो मिनरल ओर से क्या क्या चीजें हम लोग ऑप्टेन करते हैं, जैसे आप पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम जितनी भी हो गया, चाहे वो एविएशन पेट्रोल हो गया एरोप्लेन के लिए, गैसोलाइन हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, या फिर टार हो गया, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऑप्टेन करते हैं, ठीक है। वॉट डू वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से हम क्या हमें मिलता है, तो सेल्यूलोस फाइबर हो गया, पेपर रबर हो गया, गम हो गया, एरोमेटिक सब्सटेंस हो गया, उसके बाद फ्रूट हो गया, रूट हो गया, उसके बाद सीलिंग वैक्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, ओके। चाहे वुड हो गया, ओके, फर्नीचर के लिए हो, फार्मिंग के लिए हो, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है, ओके। वॉट आर द आइटम इंक्लूड इन द ओशन रिसोर्सेस, वॉट आर देयर यूजेस। तो यहाँ पे हमने एक नॉन लिविंग थिंग्स लिया है और एक लिविंग थिंग्स लिया है, ओके। नॉन लिविंग थिंग्स में हम मिनरल्स को कंसिडर कर सकते हैं, जैसा हमने पहले देखा था कि मिनरल्स के अंदर आप चाहे तो गैस, ऑयल, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है और इसको हम लोग ऑप्टेन करते हैं ओशन से ही, ओके। लेकिन अगर हम लोग लिविंग थिंग्स में आए तो आपको लिविंग थिंग्स में हम ऐसे बहुत सारे जो नेचुरल ऑयल होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, चाहे वो पाउडर शेल हो गया, सार्क ऑयल हो गया, ओके, फिर सीओडी फिश हो गया, उसके बाद आप अलग अलग फिश ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे जो मिलियन ऑफ ये हैं फॉसिल्स फ्यूल है, उनकी वजह से आप देखते हो कि पेट्रोल और डीजल है, वो सारी चीजें हमें वहां से मिलती है जिसका इस्तेमाल हम लोग व्हीकल के लिए करते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो हम लोग वहां से ऑप्टेन करते हैं ओशन से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। और इसका आंसर आप दो पॉइंट्स में हमने लिख के दिया है, आप दोनों पॉइंट्स में इसमें लिख सकते हो, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमने एक तो नॉन लिविंग थिंग्स और दूसरा लिविंग थिंग्स, ये दोनों में हमने बायफर्गेशन किया है, ओके। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद व्हाई इज द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड द एनिमल इन द फॉरेस्ट डिक्लाइनिंग। तो ये सारी चीजें हमको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आज के टाइम पे आपके फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट में जो प्लांट है या एनिमल है वो क्यों बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी खत्म हो रहे, कम हो रहे। तो इसका रीजन मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा कि इसका सबसे मेन रीजन है पॉपुलेशन, ओके। जिस तरीके से आज के टाइम पे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, खासकर इंडिया की भी, उसकी वजह से आपको पता है कि अगर आपका एक घर है, सिंपल सा घर है, वो घर आपके 5 लोगों के लिए है, 4 लोगों के लिए है, लेकिन आपके घर में अगर 10 लोग हैं तो ऑफ कोर्स आपको उसके लिए और थोड़ी सी एरिया लगेगी, और थोड़ा सा आपको दूसरा घर लेना पड़ेगा, इससे बड़ा घर लेना पड़ेगा, और वो बड़ा घर बनाने के लिए वहां पे जमीन लेनी पड़ेगी, और जमीन ये तो नहीं है कि आपको ऐसे ही जादू से आ जाएगी, तो उसके लिए आपको फॉरेस्ट कट करना पड़ता है, उसके लिए जो भी आपके आसपास जो वेजिटेशन है उसको खत्म करना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये सारी चीजें क्या है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ओके। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और खासकर इंडिया के अंदर जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल है वो सारी चीजें थोड़ी करने की ज्यादा नीड है, ओके। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द 5 मिनरल्स एंड द यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम देम, ओके। तो आपको पता है कि हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, या माइका हो गया, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, एक मेन कंपोनेंट, मेन मिनरल्स के तौर पे हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी जो आधी से ज्यादा जो चीजें हैं वो हम इस 5 मिनरल्स की वजह से कर सकते हैं। और जो बॉक्साइट होता है वो एक एल्यूमिनियम कंटेंट, 55% एल्यूमिनियम कंटेंट होता है, ओके। और इसकी वजह से, बॉक्साइट की वजह से हम लोग और अदर्स मिनरल जो उसके अंदर ये हैं कंपोनेंट है वो हम लोग उसके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैग्नीशियम हो गया, आयरन ओर हो गया, ओर का मतलब ही होता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा क्या है, सब्सटेंस है। तो इसकी वजह से हम लोग आयरन ओर का इस्तेमाल हम लोग रेलवे ट्रैक के लिए हो गया, फार्मिंग के लिए हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे जो आर्टिकल्स है, नीडल्स है, वो सारी चीजें हम लोग बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हैं। माइका हो गया, तो माइका आपका आयुर्वेदिक में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज होता है। कॉपर आप सबको पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, तो उसका इस्तेमाल वायरिंग के लिए होता है।
तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग मिनरल्स के तौर पे करते हैं। उसके बाद व्हाट स्टेप्स आर टेकन फॉर द प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से बुक में लिखने के लिए अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप सोचो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखो कि कितना हो गया, 8 अरब आपकी पॉपुलेशन हो गई। तो 8 अरब के हिसाब से अगर आप 1 लाख लोगों के लिए अगर कोई चीज करते हो तो वो ना के बराबर गिनी जाती है। यानी वो निग्लिजिबल है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये जो सारी चीजें हैं ना, जो स्टेप्स टेकन फ्रॉम द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करते हो, चाहे वो 1 किलोमीटर का हो, 100 किलोमीटर का हो, 200 किलोमीटर का हो, और उसके अंदर आप कुछ करते हो ना, तो उससे कितने लोगों का आप सोच सकते हो कितने लोगों का उससे फायदा होगा। वहां पे जो आजू बाजू रहते होंगे 100 किलोमीटर के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग रहते होंगे, तो उतने लोग ही उससे ज्यादा इम्पैक्ट होते होंगे, लेकिन बाकी के लोगों का क्या। तो ये सारी चीजें ना, उसको आपको पूरे 8 अरब लोगों को ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरीके से कम जो प्रोटेक्शन है वो कंजर्वेशन है वो ये कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका हम कम से कम किस किस तरीके से इस्तेमाल करें, वो सारी चीजें अगर आप इतने लोग अगर सोचते हैं ना, तो कुछ चीजें हो सकती है। सिर्फ 10 लोगों के सोचने से या फिर कुछ लोगों के लिए काम करने से ये सारी चीजें कभी सॉल्व नहीं हो सकती। उसके बाद यहाँ पे आप देखो एक फ्लो चार्ट भी दिया है हमने कि किस तरीके से वो सारी सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट में आपको पूरे अच्छे से डिटेल दी है। आपको ये फ्लो चार्ट भी, अगर आप गुड मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हो इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आप फ्लो चार्ट भी इसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि हाउ डज द इकोनॉमिक कंडीशन फॉर द नेशन डिपेंड ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम लोग अगर कोई कंट्री है पेट्रोल डीजल अगर उसके यहाँ पे अवेलेबल है वो भी एक्सेस में, तो उस कंट्री क्या करती है, अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल जो मार्केट है वो मार्केट में बेचती है और उसे एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल वो कहाँ करती है, बेसिकली अपने नेशन को डेवलप करने के लिए। वो चाहे कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड डेवलपमेंट हो गया, रेलवे डेवलपमेंट हो गया, अच्छी अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, वहां पे अच्छा सारा मैनेजमेंट हो गया, वो सारी चीजें करने के लिए वो जो इकोनॉमी आती है, जो पैसा आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस कंट्री के पास ये सारी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं होती है, वो अपने जो टैक्स पेयर होते हैं उनके पैसे से वो सारी चीजें वो खरीदते हैं, और इससे क्या होता है कि उनके पास और बहुत ये नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, एक्सपेंस नहीं होता है कि वो आगे के लिए वो खर्चा कर सके अपने नेशन को डेवलप करने के लिए। तो इसके लिए आप अगर आप देखते हो कि अगर आप कभी भी अगर ये देखोगी, अगर पेट्रोल और डीजल की अगर आप बात करते हो, तो उसके अंदर सबसे जो टॉप पे है वो सऊदी अरेबिया है। बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे और रिच होते हैं, आपने सुना होगा। उनकी लाइफस्टाइल बहुत रिच होती है, रॉयल होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास वेल्थ है, उनके पास रिसोर्सेस हैं कि वो बहुत अच्छा वेल्थ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छा इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली चीजें हैं जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो चाहे कौन से भी होने। जो मैंने एक पेट्रोल डीजल का बात किया, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड की खदाने हैं, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। अगर यूरेनियम है, आपके पास थोरियम है, ये सारी चीजों के भी अगर आपके पास सोर्सेस हैं, तो इससे भी आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। क्योंकि इनका इस्तेमाल आप हर चीज में कर सकते हो। हर एक गाड़ी में इसका इस्तेमाल होता है, हर एक पार्टिकल्स में इसका इस्तेमाल होता है, मिनरल्स का, मेटल्स का। उसके बाद विच मेडिसिनल प्लांट विल यू ग्रो ऑन योर स्कूल प्रमाइसेस एंड योर हाउसेस। तो ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ रहे हो, फिर भी आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। आपने ये सारी चीजें अपने मम्मी पापा से भी सुनी होगी कि बचपन में आपको घर के आंगन में तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए, नीम का पेड़ लगाना चाहिए, पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप पीपल का पेड़ लगाते हो तो आपको उससे ऑक्सीजन मिलता है, और 24 आवर। अगर आप ये लगाते हो, अगर आप नीम का पेड़ लगाते हो, तो नीम का पेड़ आपके किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन है। अगर आप तुलसी का पेड़ लगाते हो, तो तुलसी के पत्तों का आप काढ़ा बना सकते हो। अगर आप ऐसे दुर्वा लगाते हो या फिर आप धतूरा लगाते हो, तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए करते हैं। आप टर्मरिक लगाते हो, जिंजर लगाते हो, तो इसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं।
तो इसके लिए आप घर के आंगन में ये सारी चीजें उगा सकते हो। इसको उगाने के लिए कोई बहुत अच्छा लैंड जरूरी नहीं है। ओके, आप इसको अपने गमले में भी अगर आप उगाओगे ना, तुलसी हो गया, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, ओके, तो ये सारी चीजें उसके अंदर भी उग जाएगी। सिनामन हो गया, या फिर ब्लैक पेपर हो गया, व्हाइट पेपर हो गया, तो ये सारी चीजें आसानी से कहीं पे भी उगाई जा सकती है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से समझा होगा। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लो। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।